कहन कहावन, कहन कहावन सगल जंजार, कहन कहावन कहन कहावन सगल जंजाल, सगल जंजाल कहन कहावन नानक दास, नानक दास सच करनी सा, नानक दास सच करनी सा, कहन कहावन सगल जंजाल, सगल जंजाल भगत भगत कौ बनिया, भगत भगत ने कौनिया तन मन गलत भयो ठाकरे, गलत भर सो अपने लिए मिला, अपने लिए मिला मिला, कहन कहावन कहन कहावन सगल जंजाल, कहन कहावन सगल जंजाल, कहन कहावन
गावन हारे Yes, so sad.
ऐसो दृष्टारी कहन 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 सज जंजा कहन कहन सज जब लग मन बैकुंठ की आस सब कोई जान कहे है उहा ना जाना ना जाना बैकुंठ कहाई सब कोई जान कहे कहाँ ही बात नहीं बैकुंठ बकाना हर जस सुने ना हर गुण गावे बात नहीं बात नहीं आसमान गिरावे बात नहीं गली असी चंगिया चाकर लगे चाकरी नाले कार बुवाद गल्ला करे घनेरिया कहन कहावन गल्ला करे घनेरिया खसम ना पाए साध कहन
कहावन सगर जंजार खसम ना पाए साथ गल्ली हो सुहागन बहन खसम ना पाए साथ गली हाँ सुहागन बहन कंत ना कबहू मैं मिलिया कहन कहावन गली असी चंगिया अचारी बुरिया धर्म के खेत्र की तस्वीर अज का स्वरूप बयान करद कुछ राह दिखा रहे हैं। ये नहीं कि सवाल ही कर रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं। कहते ने एक हिस्सा वो है जेड़ा कथनी ते खड़ा है, करनी तक पहुंचे ही नहीं, ते उन्दा वखवा फासला दूरी किन्नी कै उन्दियां कुछ एग्जाम्पल ने जेड़ियां इस शब्द विच दित्तियां गईयां। कहन लगे गावन हारी गावे गीत गावना वक्री चीज है, ते जो कुछ गावना है उन्हें चित विच वसाना एक वक्रा विषय है। आप रोज पढ़ने कोई गावे रागी नादी बेदी बहु भांत कर नहीं हर हर भीजे राम राजे, क्यों? क्योंकि वो गाया उनका अंदर नहीं, जिन्ना अंतर कपट विकार है। गावना होर चीज है ते अंदरों गावना कुछ होर चीज है। सतगुरु आपने आख्या ना भीजे रागी नादी बेद ना भीजे सुरती ज्ञानी जोग। इत भी गुरु आख रहे ने कहते ने गावन हारी गावे गीत पर सो उधर है बसे जचीत। जिंदे चित विच गाव्या सुनिया बैठ जाए। अगली एग्जाम्पल दिन कहते ने पेख है बिंजन परोसन हारे आसवानी बीबी घर दी रसोई दी मालिक भोजन बना दी ते जदों तो तैयार करना शुरू कर दिए उदों तो ही बार बार उस भोजन वाल देखती है। कितने जल ना जाए, कितने बेस्वादा ना हो जाए, कितने लग ना जाए। रोजाना जिंदगी दिया कुछ एग्जाम्पल ने जिहड़ियां सतगुरु बाणी विच दे रहे ने, बहुत देखती है। घंटा दो घंटे चार घंटे लग जाने रसोई विच भोजन बनाते हैं खाना बनाते हैं, हर खाने वाल बड़ा ध्यान दिंदी है, बड़ी तवज्जो दिंदी है, देखती रहती है। पर की देखन नाल रज जांदी है, सतगुरु ने बाणी विच कह दिता। कहन लगे
देखै बिंजन परोसन हारे। जिन्ने खाना परोसना है, बनाना है, तैयार करना है, उन्ने उस सारे बिंजन नू खाने नू बार बार देखे ते कई घंटे देखे, बल्कि गुरु ने बाणी अंदर ऐसी बड़िया एग्जाम्पल दित्तियां ने। एक थां ते आखदे ने, कड़छियां फिरन भोजन बनाने विच काम आने वाली कड़छी है जिंदे नाल भोजन हलाया जाता है। कहिंदे जिन्नी देर भोजन बनाना होवे उन्नी देर कड़छी दी लोड़ है। कड़छी उस भोजन नू बनाने विच अपना अधिकार रखती है, ते बना के रखती नहीं वंडन विच भी अधिकार रखती है। उस कड़छी नाल ओ दो चार छे दस भी घर दे जिन्ने जी हुण सारिआं नू परोसदी है। पर केड़ी अजीब हालत है उस कड़छी दी, भोजन बनाया भी, भोजन वंडिया भी, सारिआं नू खवाया भी, ते बनाण वाले ने बना के कड़छी नू पतीले ते रख दिता, उन्नू खाली रख दिता। है तू खाली, इन्ना भोजन बनाने वाली, इन्ना भोजन खुआने वाली, तू फिर खाली। गुरु कहन लगे, कड़छियां फेरने सुआओ ना जानन सुनिया, सुआओ ना जानन सुनिया। आप नहीं स्वाद जन दिया, बना के खा ली फिर ऊपर रख दिया जल्दियां। इत्थे भी गुरु ने एक एग्जाम्पल दिती, कहन लगे बनान वाली ने अखां नाल ध्यान नाल बड़ी देर तक उस भोजन नू देखिया है, पर एक ख्याल करो जिंदे सामने उन्हें परोसिया है ना खाण लई, उन्हें 10-15 मिनट 20 मिनट उस भोजन वाल देखिया है, तो देख के खा लिया है। पर हुण क्योंकि उन्हें खाधा नहीं, इन्हें खा लिया है, आ फर्क इन्ना है। बनाने वाली ने अजे खाधा नहीं, वेख्या है, ते खाण वाले ने खा लिया है, वेख्या उन्हें थोड़ा है। हुण रजेगा दोहां चो कौन, त्रिपत कौन होएगा, बनाने वाला जिन्हें वेख्या या खाण वाला जिन्हें खाधा है। गुरबाणी विच कहन लगे, देखे बिंजन परोसन हारे, जय भोजन की, जय भोजन की नो ते तृप्तारे। रज तो वो होया जिन्हें अंदर वसा लिया, जिन्हें खा लिया, जिन्हें आहार कर लिया। वेखना तो अखां दा कम है, इत्थे बस नहीं। कहन लगे जे कोई मनुख मूंह विच पा लवे, बड़िया एग्जाम्पल श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दित्तियां। अगले पासे एक होर एग्जाम्पल है, कहिंदे ने अनेक स्वांग काछे भेख धारी। भेख बनाने वाला नाटककार जड़ा नाटक खेड ला है, ड्रामे खेड ला है, और नाटककार अपनी कहानी मुताबिक रोज ही भेख बदलता है। किसे कहानी विच जे वो मंगता है तो फटे कपड़े पा लेंदा है, क्योंकि उस कहानी का पात्र है। जे किसे कहानी विच वो बादशाह है, राजा है,
ਮਾਤਾ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੀਮਤੀ ਪਟੰਬਰ ਪਹਿਣ ਲੈਂਦਾ, ਸਿੰਘਾਸਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕੱਪੜੇ ਫਟੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਨਾ ਉਦੋਂ ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਟਕਕਾਰ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਭੇਖ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਕਲ ਹੈ। ਹਲਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆ ਕਈ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੂੰ, ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਲਈ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਆ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ, ਡਰਾਮੇ ਦਾ, ਇਸ ਨਾਟਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾ, 2 ਘੰਟੇ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਟਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆ ਸੋਹਣੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਬੋਲੀ ਵੀ ਨਾ, ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਫਿਰ ਮੰਗਤਾ ਦਾ ਮੰਗਤਾ, ਜੈਸੋ ਸਾਹ ਤੈਸੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਆਖ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦਾ ਭੇਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਭਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣ ਕਹਾਵਣ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਧਨ ਹੈ ਧਰਮ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੰਧਨ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਆਉਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਬੈਠਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝਣੀ, ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਉਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਕਹਾਵਣ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਹਿਣ ਸੁਭਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ, ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੇਵਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਸੁਣਿਆ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਕੀਰਤਨੀਆ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕਹਾਣੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਜੇ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੀ ਗਾਵੇ ਗੀਤ, ਸੋ ਉਧਰੈ ਬਸੇ ਜਚੀਤ। ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮਨ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮਨ ਨੇ ਤਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕੰਮ ਤਨ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਨੇ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਕ੍ਰੋਧ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਕਾਤਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਤਲ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਭ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
लोभ अंदर आउंदा है तो बाहर चोरी हुंदी है, लोभ अंदर आउंदा है तो बाहर गद्दारी हुंदी है। हर एक चीज अंदरों बाहर रूपमान हुंदी है, इसलिए बदलना तो अंदर नू है, ताकि अंदरों माड़े विचार ना पैदा होन, ताकि माड़े व्यवहार करनी ना बने। करनी की है व्यवहार ते निर्भर करती है विचार ते, ते विचार अंदरों पैदा होने ने। एक बार इसकी इसलिए गुरु ने आख्या मन समझावन कारण कछुए के पड़ी है ज्ञान, जिन्ना ज्ञान है संसार का वह मन न बदलने वास्ते, तन तो आप ही बदल जाना है। जिस दिन मन बदल गया, मन का क्रोध नाश हो गया, विश्वास करो उस दिन मनुख कातल नहीं रहेगा। दुनिया अंदर जिन्ना कुछ हो रहा है ये सारा कुछ अंदरों पैदा हो रहा है, ते अंदर बदलने वास्ते अंदर कुछ ले जाना है। लोग जाने गीत है ये तो ब्रह्म विचार, अंदर ले जाना है। तो गुरु ने यह गल बाणी में आखी, कह लगे तू अंदर नहीं ले जा रहा, बाहरों गा रहे हैं। गावन हारी गावे गीत, सो उधरे सो उधरे बसे जय चीत। अंदर जाए तक कहन लगे देखे बिंजन परोसन हारे, पहला अज धर्म के खेत्र विच कहन ते सुनन दा गावन वाले बिना अंदर ले जाए गा रहे ने, असी कह सुन रहे हैं। ते अगला एग्जाम्पल अगली और अगला उदाहरण एग्जाम्पल की, ते कुछ लोग कहते ने चलो सतगुरु दे दर्शन कराइए, दर्शन कराइए। असी जदों अरदास दी ध्यान नाल देखे ना उत्थे की सी, श्री अमृतसर साहब जी दे दर्शन इशनान, श्री गुरु ग्रंथ साहब के संबंध में सी दीदार, दर्शन दीदार, पाठ दर्शन दीदार, उत्थे लफज ने पाठ दर्शन दीदार। असं आखिया नहीं ये दर्शन दीदार तो बहुत पहले रह जाते, सतगुरु ने बाणी में आख दिता, कहन लगे सतगुरु नू सब को देखदा, दुनिया सारी देखदी, असी तो रुमालिया में ढक सके ढक छड़े ताकि लोग वेखने वाले जड़े वो बाहरों ही वेख लैन, रुमाले दे अंदर कदी किसी ने चाहती नहीं पाई, रुमालिया नाल ढकिया हो। सतगुरु कहिंदे सतगुरु नू सब को देखदा, जेता जगत संसार डिठे मुक्त ना हो वही। देखे कुछ नहीं बनना, रोज आने रोज देख जाने। बहुतात लोग तो बेचारे इत्थे ही संतुष्ट ने, आए मत्था टेकया परिक्रमा कीती डालर दो डालर पेट कीते जो तौफीक दे मुताबिक बस दर्शन कर आए हैं, संतुष्ट ने गुरुद्वारे हो आए हैं। सतगुरु आखदे ने कहिंदे ने डिठे मुक्त ना हो वही, फायदा ही कौन ही देखण दा, देखण दा फायदा कोई नहीं। कहन लगे किवें फायदा है, जिचर शब्द ना करे विचार, जे तू शब्द दी विचार नहीं कीती, जे तैनू पता नहीं श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच की शब्द है की हुक्म है, तो समझ लै तू कुछ नहीं देखिया, कुछ नहीं देखिया।
ते फिर हालत की है पेठे बिंजन परोसनारे। उस बीबी वांगू उस औरत वांगू है जड़ी कर घर के किचन में खाना बना रही है देख रही है देख रही है पर खा दूजा गया त्रिपत ओ होया है तू नहीं होया। कह लगे हालत सतगुरु नु सब असी इसलिए अरदास विच एक लफ्ज बता दिता पाठ दीदार ते विचार नाल जोड़ दिता सतगुरु बख्शिश कर तू जिथे दीदार दे उथे विचार भी दे जिचर शब्द न करे विचार कोई फायदा नहीं। अज के शब्द विच कुछ गल्लां ऐसियां ने जिहड़ियां साडे रोजाना जीवन धर्म दे खेत्र नाल संबंध रखदियां ने। कहन लगे तीजी चीज है असीं भेखधारी दी पूजा करने आ पर तैनूं पता होवे भेख बनाने वाला तां इक नाटककार है असीं भेख ते निर्भर ज्यादा भेख ते निर्भर असी कीर्तनियां दा भी भेख चाहने ग्रंथी दा भी भेख चाहने साध संत दा भी भेख चाहने इवन सिख दा भी भेख चाहने असी ककार भी एक भेख बना लेना है। जदों तक असी ककारां दा मकसद नहीं समझ रहे उन्नी देर सब कुछ भेख है। गुरु ने यह गल बाणी में आखी है कहन लगे जे कोई भेख बना के बादशाह दा किसे सिंघासन ते बह जाए तो वह बादशाह हुंदा है जे कोई भिखारी दा भेख बना के उस नाटक विच ड्रामे विच पात्र बन के भिखारी बन के बह जाए कि वह भिखारी हुंदा है नाटककार है। कहन लगे साड़ी जिंदगी विच भी भेख एक नाटककार वांगू बन गया है असी समझ नहीं सकते कि सानू सतगुरु ने जां इस केस संभालन लई क्यों आख्या है दिते नहीं केस गुरु ने दिते नहीं कि रब वल्लों ने ते हर किसे नू मिले ने इस्लाम दे अंदर मुसलमान नू भी मिले ने हिंदू नू भी मिले ने पारसी नू भी मिले ने हर बच्चा जिन्ना जन्म लैंदा है उन्दे नाल केस आउंदे ने पर संभाल नहीं सकदा असी इसलिए इत्थे अरदास विच इह भी लफज बदले सिखां नू सिखी दान केस दान नहीं केसां दी संभाल दान संभाल करनी असी अपने बाने नू ये गल ठीक है कि असी बार बार एक गल कहने सिख दा बाणा पर बाणी विच्चों बाणे ने जन्म लेना है बाणी अंदर है हुणे ख्याल अर्ज कीती सी भी अंदरों चीज़ बाहर आउंदी है बाणी अंदर जावे तो उस बाणी विच्चों बाणा बाहर आवे बाणा बन के बाणी ने बाहर आना है तो उस बाणे नू असी समझना है ते नहीं तो एक ख्याल करो जिन्ना कुछ असी पढ़ते सुनते हैं जे इतें ही छड़ जाने तो फिर जंजाल ही है। यो गल गुरु ने बाणी समझाई कह लगी अनक स्वांग काछे बेखदारी क्योंकि असी बाणे नू समझ नहीं सके इसलिए अज बाणा बदनाम हो रहा है इसलिए वो बाणी पहनन वाले श्री गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी विच एक दूजे ते तलवारां कृपाना कस रहे ने क्योंकि बाणी ने नहीं बदलना बाणी ने बदलना है बाणी ने बाणा बदलना है बाणी ने बाणी नहीं बदलनी क्योंकि अंदरों बाहर आना है ना बाहरों अंदर नहीं जाना। इसलिए गुरु ने अपनी रसना तो आख दिता कहन लगी अनक स्वांग काछे बेखदारी बड़े स्वांग बनाता है बड़े स्वांग बनाता है नीले पीले कपड़े
तरह तरह दियाँ पोशाक बना बना मैं तो हैरान हूँ। मैनू हजे तक याद है कई सज्जन पंजाब कहते होंगे सन कि संडे सिख है, क्यों? क्योंकि संडे को छुट्टी होंगी है तो गुरुद्वारे जाना होंगे, उस दिन के कपड़े वक्रे रखे, अज मैं नीले कपड़े पाने ने, अज मैं क्योंकि अज गुरुद्वारे जाना और नीले बाने जड़े ने वह गुरुद्वारे वास्ते सिर्फ संडे को पाए जाते हैं, तो उत्थे पंजाब विच कहावत बन गई तो संडे सिख है। तो ख्याल करियो गुरु ने बाणी अंदर कोई गल छुपा के नहीं रखी, स्पष्ट कर दिता, कहन लगे अनक स्वांग काछे भेकधारी जैसो सा। जो असलियत है असलियत तो हुई है हो पलिया, तू कपड़े बदलन नाल तू भेख बनाउन नाल आप नहीं बदलिया, जिन्नी देर तू आपा नहीं बदलदा उंदा ना करनी है, कथनी ते करनी, ये दो लफज बड़े प्रचलित ने धर्म के खेत्र विच। और एक ख्याल करियो कथनी लई भी मत चाहिए, जिंदे कोल मत ना होवे कथनी भी नहीं कर सकते, ते करनी लई भी मत चाहिए, नहीं तो की होगा रहत अवर कछ अवर कमावत, मन ने प्रीत मुखों गंढ लावत, मूह तो अंदर प्रीत है नहीं मूह गल्लां बड़ियां मिठियां कर लिया। सतगुरु बाणी विच कह स्पष्ट कर रहा है, कहिंदे ने एक ख्याल करी जे तू मत दा लफज आवेगा तो दोवां वास्ते जरूरती जरूरी है। हैरान होया श्री गुरु गोबिंद साहब अंदर कोई पक्ष नहीं छकिया, एक थां ते इत्थों तक लफज कह दिते, कहन लगे इसलिए जीवन अंदर मत दा परहार ना करी, मत तो परहेज ना करनी, हाँ यह फैसला करी मत कित्थों लैनी है, लोड़ तेनू मत दी हर थां ते, केड़ी मत ए अगला फैसला है। बल्कि इत्थों तक लफ्ज़ कह दिते, कहन लगे शर्म सुरत शर्म सुरत दो ससुर वाय करनी कामन कर मन लै, करनी की है कामन, लफज कामन वरते हैं ना, ते कामन नू असी की आखने जीवन साथी, रात भी लफज आए सर अपनी पत्नी नू जीवन साथी कही दे, ते एथे गुरु ने बाणी विच कह दिता, कहन लगे जीवन साथी एक औरत एक पत्नी ही नहीं तू अपनी करनी नू जीवन साथी बना लै, ना त्यागी क्योंकि तेरी करनी ने तेरा हर पल साथ देना है, ते करनी पैदा कित्थों होंदी, सतगुरु ने बाणी विच आखिया शर्म सुरत दोए ससुर भाए, उद्दम ते विचार सुरत चेतनता ए दोनों तेरे ससुराल ने, ते करनी इन्हां दे घर जन्म लैंदी है, जिंदे घर विच शर्म ते सुरत है उनके घर जड़ी करनी होएगी ना वो सुमत करनी होएगी, क्योंकि शर्म ने उद्दम करेंद्या जीव तू कमावदिया सुख भुज, उन्हें लोभ मोह तो छुड़ा देना है, ते सुरत ने विचार देनी है, ते कहिंदे जिहड़े विचार ते उद्दम विचों पैदा होएगी ना असल करनी वह है वह तेरी जीवन साथन होए। सदगुरु केडी गहराई विच कहने एक लफज कहन लगे, कहन लगे शर्म सुरत दोए ससुर भाए करनी का मन कर मन लै, हे मन
तू अपने नाल करनी नू अपनी कामन जीवन साथन बना लै ते जी करनी भी ओ जड़ी शर्म ते सुनत दे घर पैदा होवे ओ तेरे ससुराल बन। शर्म सुरत दो ससुर भाए करनी कामन करमन लै ओनू अपनी जीवन साथी बना। क्यों? क्योंकि करनी बिना जिमें जीवन साथी बिना जीवन अधूरा है ना संसारिक जीवन, इस तरह करनी बिना जीवन अधूरा है। जिंदे कोल सिर्फ कथनी है गल्लां बारे हैं कनेरे गलनी असी चंगियां आचारी बुरियां मनुख सुधा कालियां बाहरों चिट्टियां रिसा करें तनाड़ियां जो दे सेवे दर खड़ियां। जिन्हें कोल सिर्फ कथनी है करनी नहीं ओ अधूरा है, क्योंकि उनकी जीवन साथन उनके कोल कोई नहीं। इसलिए गुरु ने बाणी विच कह दिता जै करनी जै करनी तै पूरी मत, नहीं तो मत भी अधूरी। जै करनी तै पूरी मत करनी बाजो कट्टे घट व्यर्थ कटदा जाएगा कुछ नहीं पल्ले पैना जे तेरे कुल करनी नहीं था। करनी बाजो घटे घट और एहो गल अज दे शब्द विच फैसले विच दित्ती। कहन लगे कहन कहावन सगल जंजार जिन्नियां मर्जी गल्लां कर लै जिन्ना मर्जी पढ़ लिख लै पर सारा कुछ एक जंजाल है। असल जड़ी तेरे नाल साथ निभन वाली ओ है कर नानक दास सच करनी सार। जड़ी सच्ची करनी है जड़ी गुरु दी मत विचों पैदा होंदी है जड़ी शर्म विचों जन्म लैंदी है असल ओ करनी तेरे कोल होनी चाहीदी है। सतगुरु ने आखरी इस शब्द दी लाइन विच ए फैसला दिता। कहन लगे कहन कहावन सगल जंजार कहन कहावन सगल जंजार नानक दास नानक दास सच करनी। विश्वास करो अपने फ्यूचर वाल भविख वाल जरूर देखो। साड़ी आने वाली जनरेशन बच्चे धर्म तो सिखी तो दूर क्यों हो रहे ने उन्होंने इंटरस्ट नहीं रहा चाओ नहीं रहा। जे कोई सरूप संभाली भी बैठे ने ना वो सिर्फ तुहानू खुश करन लई क्योंकि तुहाड़ी मौजूदगी विच एजेंट नहीं कुछ दिखाना चाहते तुहाड़ी वफादारी है गुरु की वफादारी नहीं। गुरु की वफादारी उस दिन बनेगी जिस दिन अंदरों सिख हो गए। ये सब कुछ क्यों हो रहा है क्योंकि असी उन्होंने कहन कहावन तो दिखा रहे हैं गुरुद्वारे बड़े इकट्ठ ने समागमों बड़े इकट्ठ ने कहन सुनने वाले बड़े ने सुन वाले भी बड़े तो कहन वाले भी बड़े। सतगुरु ने बाणी भी आखी कहत सुनत कुछ शांत ना उपजे बिन विश्वास क्या सेखा।
ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਕਹਾਵਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਥਨੀ ਹੈ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣਗੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਰਖਵਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਿਕਿਓਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਕਹਾਵਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਵੀ ਰੱਖੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚੇ ਖਾਂ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।